हेलो एचपी बोर्ड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बच्चों, रिजल्ट की टेंशन हो रही है? जी सर, रिजल्ट की टेंशन तो हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेंशन हो रही है वो प्लस टू वालों को टेंशन हो रही है, ट्वेल्थ वालों को टेंशन हो रही है, क्योंकि ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है वो कल आने वाला है। जैसे कि मैंने अभी आपको लेटेस्ट हाल ही में वीडियो में बताया, अगर इन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लेना, मैं आपको लास्ट में वो वीडियो दे दूंगा। ये आपका रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो क्या है, कितने बजे आ रहा है, सब कुछ उस वीडियो में मैंने बता दिया। तो बच्चों टेंशन हो रही है, टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ा जो डाटा है वो निकलवा कर लेकर आया है सारे के सारे एचपी स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी टेंशन नहीं लेनी, अपने दिल को थोड़ा सा शांत करो, पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं होना, चाहे आप टेंथ से हो आप चाहे ट्वेल्थ से, दोनों के लिए बहुत बड़ा डाटा निकलवा के लेके आया हूँ। और ये डाटा जो है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये देखो ये सारा डाटा जो लिखा है ये सिर्फ आपके लिए निकलवाया, सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज़ को लेकर, प्री बोर्ड को लेकर, कि बहुत सारे बच्चों ने प्री बोर्ड के एग्जाम दिए थे। तो चाहे आप क्लास टेंथ के हो चाहे क्लास ट्वेल्थ के हो, तो क्या प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि मेरे प्री बोर्ड में भी इतने मार्क्स आए थे, मेरे प्री बोर्ड में इतने मार्क्स आए थे, तो क्या वो मैटर करते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, दैट इट डज नॉट मैटर। आपके प्री बोर्ड के मार्क्स कोई भी मैटर नहीं करेंगे, इस साल तो वैसे भी नहीं करेंगे। मैंने आपको लास्ट में एक वीडियो बना के बताई थी, आई थिंक कल डाली थी या पता नहीं परसों डाली थी, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो जिसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था, विद प्रूफ बताया था कि इस बार जो आपकी लिबरल चेकिंग हो रही है कॉपी की, यानी कि ईजी चेकिंग हो रही है, काफी ज्यादा इजी चेकिंग हुई है, क्योंकि आफ्टर कोविड जो है बहुत सारे बच्चे जो है पैनिक हो गए थे, स्ट्रेस हो गए थे बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। तो इस बार जो चेकिंग हुई है वो काफी ज्यादा चेकिंग लिबरल हुई है, इजी नहीं हुई है। वो सिर्फ आपके बोर्ड की नहीं, सीबीएसई बोर्ड ले लो आप, चाहे आईसीएसई बोर्ड ले लो, राजस्थान का बोर्ड ले लो, सबका जो है इजी चेकिंग हुई है और आपकी भी जो है वो लिबरल चेकिंग हुई है। तो उसके बाद अब बात करते हैं प्री बोर्ड मार्क्स की। तो प्री बोर्ड मार्क्स मैंने आपका ऑलरेडी बता दिया कि डज नॉट मैटर, आपके प्री बोर्ड के मार्क्स जो वो मैटर नहीं करते। तो आप ये मत सोचो कि मेरे प्री बोर्ड में 60% बन रहे थे, मेरे 70% बन रहे थे, तो बोर्ड में भी इतने ही आएंगे या इससे कम आएंगे, तो वो मैटर नहीं करते। और चीज बताऊंगा कि आपके मार्क्स कहां तक पहुंचे, कैसा रिजल्ट रहा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके बाद जो सेकंड नंबर का डाटा मेरे हाथ में लगा वो शेयर करता हूं पहले, कि मैथ्स इंग्लिश नंबर वन पे, मैथ्स और इंग्लिश के अंदर जो हमारे पास हाथ लगा डाटा, कि मार्क्स जो है, मार्क्स वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मैथ्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर। बहुत सारे बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे पास हैं और मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर है बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मार्क्स वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं मैथ्स और इंग्लिश में। दूसरे नंबर पे जो मेरे पास डाटा लगा हाथ वो लगा है अकाउंट्स का। अकाउंट्स के अंदर क्या है बच्चों, कि अकाउंट्स के अंदर 80-90% जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं, 82 यानी कि 12th के अंदर जो अकाउंट्स का रिजल्ट रहने वाला है वो 80-90% के बीच में रहेगा, 90% से ऊपर जाने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा मुश्किल है सिर्फ अकाउंट सब्जेक्ट्स के अंदर। हिस्ट्री और सिविक्स की बात करें तो इसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि 90% के अंदर बहुत कम, ऐसा नहीं कि जाएंगे लेकिन बहुत बहुत कम बच्चे जाने के चांसेस हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 80 और 90 की लाइन के बीच में रह जाएंगे। और नेक्स्ट में जो मेरे पास जो डाटा हाथ लगा तीसरे नंबर पे वो लगा है मेरे पास हिस्ट्री और सिविक्स का। हिस्ट्री और सिविक्स के अंदर जो आपका रिजल्ट रहा है वो गुड रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वेरी गुड रहा है, ठीक है, और ना मैं ये कहूंगा कि वेरी बैड रहा है, दोनों के अंदर मैं ये चीज कंफर्म कर देता हूँ, ना वेरी गुड है ना वेरी बैड है, ठीक है, ठीक है। हम ना ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा है, ना हम ये कहेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, बुरा है। देखो एग्जैक्ट डाटा तो बच्चों मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी जिससे पता करता हूँ अपने सोर्सेज के थ्रू वो भी हमें नहीं बताते, क्योंकि कुछ प्राइवेट बातें होती हैं, अगर सारा कुछ वो मुझे बता देंगे तो उनके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना वो मुझे बताते हैं, जिस हिसाब से हिंट देते हैं कि गुड निकला है, वेरी बैड निकला है या वेरी गुड निकला है, उस हिसाब से वो सेम का सेम डाटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अब ये मत सोचना कि इसमें एग्जैक्टली नहीं बता रहे आप, ऐसे बता रहे हो गुड गुड में कितना होता है, 60%, 70%, 80%, ठीक है, मतलब मैं आपको ये बताऊं आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, गुड का मतलब ये है कि आपको अनसेटिस्फाइड नहीं होगे, आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाओगे। हिस्ट्री सिविक्स और सेम साइंस के अंदर आपका जो डाटा रहा है वो गुड रहा है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर भी, सिविक्स के अंदर और साइंस के अंदर भी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक बहुत ये बात चलती है, क्या एनीवन फेल, क्या कोई फेल भी हो सकता है। देखो बच्चों, जैसे मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया था, पहले तो 138 कॉपीज जो रद्द कर दी गई हैं, जिन बच्चों ने नकल करते हुए जो पकड़े गए थे, जिन बच्चों को पकड़ा गया था नकल करते हुए चेकिंग करते टाइम, उन बच्चों की जो है कॉपी एचपी देने वालों ने ऑफिशियली अनाउंस करके बोला है कि हमने उन बच्चों को जो कॉपी है उनका पेपर जो एग्जाम है वो है रद्द कर दिया गया है, उनका जो एग्जाम है वो कैंसिल आउट कर दिया गया है 138 बच्चों का। तो एनीवन फेल, नो,
कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, आपका रिजल्ट चाहे पॉइंट्स पे आ जाए, ठीक है, मॉडरेट पे आ जाए, 50% पे आ जाए, 60% पे आ जाए, लेकिन बच्चे पास होने के चांसेस मैक्सिमम है इस बार। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ कि इस साल जो टॉपर्स की लिस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एक तो आपका टर्म वन टर्म टू चलता है, तो उसके लिए आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हाई परसेंटेज की तरफ छलांग लगा रहा है, बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, ठीक है, टर्म वन टर्म टू की वजह से। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने आपको बताया कि लिबरल चेकिंग हुई है, इजी चेकिंग हुई है, दो रीजन हो गए, इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया था लास्ट वीडियो के अंदर इस चीज का कि इस साल के टॉपर्स की लिस्ट है वो मैक्सिमम रहने वाली है, बहुत ज्यादा रहने वाली है। अगर वो भी आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देखना, मैंने विद प्रूफ आपको बताया था कि इस साल जो टॉपर्स की लिस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है हिमाचल बोर्ड के अंदर। तो क्या एनीवन फेल? नो, कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता। हाँ, वो बच्चे डेफिनेटली फेल होंगे जिन्होंने कॉपी पे बिल्कुल कुछ लिखा ही है। अगर आप कॉपी इस तरह से पूरी ब्लैंक छोड़ के वैसे वाइट की वाइट, ठीक है, तो आपका गारंटी भी मैं भी नहीं ले सकता, फिर तो आप डेफिनेटली फेल हो, क्योंकि बोर्ड इतना भी इजी नहीं होता कि आपने बिल्कुल खाली कॉपी दे दी तो बोर्ड आपको, ठीक है, खाली शीट के अंदर वाइट शीट के ऊपर नंबर दे दे और पूरी तरह पास कर दे। जिन बच्चों ने कुछ ना कुछ लिखा है, चाहे वो गलत लिखा है या अटेम्प्ट किया है, बस अटेम्प्ट किया होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली पास हो, आराम से पास हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट चीज पे, सबसे जो मेरे पास एक और आई है, रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेरे 65% बन रहे हैं, मेरे 60% बन रहे हैं, क्या मेरे इतना रिजल्ट आ सकता है? यस, डेफिनेटली मैं ये चीज को बोलूंगा, यस, ठीक है, आपका रिजल्ट इतना ही नहीं आ सकता, इससे ज्यादा आएगा। क्यों? इसके मैं दो तीन रीजन आपको बताऊंगा। पहला रीजन जो हमारी तरफ सोशल मीडिया के थ्रू रिपोर्ट लगी थी, जो मैंने आपको बता दिया कि इस साल टॉपर्स की लिस्ट ज्यादा रहने वाली है, पिछले साल के मुकाबले भी इस साल जो बच्चे बहुत ज्यादा टॉप करने वाले, टॉप लिस्ट में आने वाले, इट मींस आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। दूसरा चीज, आपकी लिबरल चेकिंग हुई है, इजी चेकिंग हुई है, ठीक है। तीसरी चीज और भी बताता हूँ, वो इधर डाटा लिखा है, पहले इस चीज का बताता हूँ। रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपके प्री बोर्ड के मार्क्स तो मैटर नहीं करते। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेरे प्री बोर्ड में 65% बन रहे, तो क्या मैं 70% एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? यस, आप 70 नहीं, आप 75% एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिन बच्चे सोच रहे कि सर मेरे 62% बन रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि 10% इसमें इंक्रीज कर लो, 10% आप इसमें इंक्रीज कर लो, यानी कि आप 72 तक पहुंच जाओ, आपके 72 आपके हाईएस्ट रहेंगे, ठीक है, ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने अपना सोर्सेज के थ्रू पता किया, उन्होंने बोला कि 62% जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है वो अपने अंदर 10% उस चीज को बढ़ा ले, यानी कि आपके 65 भी आ सकते हैं, 66 भी आ सकते हैं, 4% भी बढ़ सकते हैं, 5% भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो बढ़कर ही आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से जो रिजल्ट है वो कम नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे टॉपर्स हैं, जो टॉपर्स सोच रहे होंगे सर मैं तो 85 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं तो 90 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो क्या मेरे भी बढ़ेंगे? यस, डेफिनेटली आपके भी बढ़ेंगे। अगर आप कर रहे हो 90% एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे 90% आ रहे हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 5% का इंक्रीमेंट कर लो, आपके 91 भी आ सकते हैं, 92 भी, लेकिन बढ़कर ही आएंगे। प्री बोर्ड से जितने भी आपके मार्क्स हैं, सीधा सीधी बात बताता हूं, प्री बोर्ड में जितने आपके नंबर आए थे उसमें अपना 10% इंक्रीमेंट कर लो, 5 से लेकर 10% तक आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जितना मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो। प्री बोर्ड में जिसके 70% बन रहे थे वो आराम से 75, 76, 80 तक भी पहुंच सकता, मतलब 10% उसके अंदर इंक्रीज कर लो। अगर आपके 75% बन रहे थे तो आप 85 तक पहुंच सकते हो, अगर आपके 82 बन रहे थे तो आप 92 तक पहुंच सकते हो। 10% आपने प्री बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, उसमें 10% जोड़ लो, 10% और ऐड कर लो, ठीक है। पक्का नहीं कि 10% ही आएंगे, ये भी चीज देख लेना, क्योंकि मुझे पता कई लोग कमेंट करेंगे सर मेरे तो 10% आए नहीं, तो बच्चों आपके 5% भी बढ़ सकते हैं, 7% भी बढ़ सकते हैं, 8 भी बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम मैंने बोला कि 10% बढ़ सकते हैं। अगर जिसने बहुत बहुत अच्छा किया उसे 10 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपके 10% मैक्सिमम बच्चों के बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको प्रूफ मैं दिखा देता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा। ये देखो, ये डाटा देखो, इंक्रीज परसेंटेज फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर प्रूफ के अंदर भी दिखाया था। अब एक और प्रूफ मेरे हाथ में लगा है, वो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। देखो 2018 के अंदर हमारे पास जो डाटा था, रिजल्ट था हमारे पास, वो कितने बच्चे पास थे? 69% बच्चे पास थे। 2019 में कितने बच्चे पास थे? 62% बच्चे पास थे। 2020 में कितने परसेंट पास हो गए? 75। 2021 में कितने हो गए? 92। 2022 में 93। देखो हर साल का जो डाटा है वो इंक्रीज हो रहा है, हर साल का जो डाटा इंक्रीज हो रहा है, बस इसके 2018 में 69 थे, उसके बाद कम हुए, लेकिन उसके बाद लगातार जो आपका डाटा है वो बढ़ रहा है, 62, 75, 92, 93। अब 2023 के अंदर क्या होगा? 2023 के अंदर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया टॉपर्स की लिस्ट बढ़ रही है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, लिबरल चेकिंग हो रही है, मैथ्स और इंग्लिश में नंबर बहुत बच्चों के अच्छे लगे हैं, अकाउंट्स भी 80-90% बच्चे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, साइंस भी और हिस्ट्री सिविक्स भी आपका बहुत अच्छा गया है, बच्चे फेल भी कम हो रहे हैं, लिबरल चेकिंग हुई है, स्टेप मार्किंग के नंबर मिले, आपको ग्रेस मार्क्स के नंबर मिले हैं। तो इतना सब लगने के बाद भी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो कम आएगा, डाउन आएगा? तो आपका रिजल्ट कभी भी डाउन नहीं आएगा, इस साल का जो रिजल्ट है वो भी आपका बहुत ज्यादा बढ़कर जाएगा। आज, ठीक है, आज ही राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया सुबह, उनका रिजल्ट पता कितना आया?
96 से 99% के बीच में उनका रिजल्ट आया 10th 12th का, 96 से लेकर 99% का रिजल्ट। और सीबीएसई का कितना आया 90+, और आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट कितना आया 95+। तो हिमाचल बोर्ड कैसे पीछे रह जाएगा भाई, जब सारे बोर्ड के रिजल्ट 90+ जा रहे हैं, ठीक है, तो हिमाचल बोर्ड भी पीछे नहीं रहने वाला। तभी उन्होंने इतने हिंट निकाले हैं, इतनी चीजें हमें वायरल की हैं कि टॉपर्स की लिस्ट बढ़ रही है, टॉपर्स के बच्चे बढ़ रहे हैं। कम इनसे उन्होंने बच्चों ने भी कुछ अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया, कुछ बोर्ड भी उन्हें हेल्प कर रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं अभी आपको लास्ट में दे दूंगा। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना ज्यादा डाटा इकट्ठा किया मैंने सारा दिन के अंदर, बहुत मेहनत लगती है भाई, ठीक है। फिर आप चीजों को, इन सब चीजों को आपके आगे रिप्रेजेंट करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।